हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की हैकर कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस जो मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा कि गाइस आपको कौन से कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए, तो गाइस उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हैकर के ऊपर एडिटिंग वीडियो लाओ, और मैंने अभी तक हैकर से रिलेटेड कोई एडिटिंग की नहीं थी। तो गाइस मैंने सोचा कि चलो वीडियो लेकर आते हैं और कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो गाइस अगर आप भी कोई कॉन्सेप्ट चाहते हो तो आप इस वीडियो को कमेंट करके बता सकते हो कि गाइस आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, या फिर आप कम्युनिटी टैब में जब क्वेश्चन पूछा जाए तब बता देना कि कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए। और गाइस कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रीसेट नहीं मिल रहा, बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, पीएनजी नहीं मिल रहा है। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उसमें मिलेगा हाउ टू डाउनलोड माय स्टॉक, उसको देख लेना गाइस, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर हमारे चैनल पे हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, यानी वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोला। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइज सबसे पहले आपने इस वाले बैकग्राउंड को गाइज अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से गाइज ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ पे गाइज जो हैकर का जो मतलब पता नहीं कोडिंग क्या होता है, जो भी हो आपने इसको ऐड कर लेना है, और इसको ऐड करके जस्ट आपने फुल बैकग्राउंड पे करना है और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। तो गाइज इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बस एडजस्ट करना और देन डन कर देना, और उसके बाद से गाइज सिंपल से आपने ड्रॉ टूल में चले जाना है, ठीक। यहाँ पे ड्रॉ टूल में आते हैं और यहाँ पे गाइस हम ऐड फोटो पे चले जाते हैं, और यहाँ से गाइस आपने अपनी फोटो के कटआउट को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऐड कर लेंगे, और गाइस इसको ऐड करने के बाद से हम सिंपल से इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाएंगे, और इसको गाइस हम फ्लिप कर देते हैं, मतलब दूसरी साइड की तरफ इसको घुमा देंगे, और यहाँ पे अभी के लिए इसको रख देते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे आपने लेयर पे जाना, और यहाँ पे आपने सीधे फोटो लेयर से जाना है, ठीक है। और यहाँ पे फोटो लेयर से जाने के बाद से आपको एक पीएनजी मिलेगी, आपने उसको ऐड करना है, और गाइस ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बस अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने मॉडल को एडजस्ट करके सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अपने मॉडल को सेट कर लेंगे, और यहाँ पे गाइस जो हमारा मॉडल है उसमें कुछ एजेस छूट गए हैं, तो गाइस हम उनको इरेज कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे गाइस हमने इनको इरेज कर लिया, देन क्या करेंगे अपने ड्रॉ टूल से गाइस अपनी फोटो को हम डन कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद से गाइस हम ऐड फोटो पे जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको एक आइज के लिए एक लाइट मिलेगी, ठीक है। तो आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे अब क्या करना है, इसको अपनी आंखों पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं किस तरह से लगाता हूँ, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब इसका कलर गाइस आपने इसको चेंज कर देना है, तो जैसे ये हमारा रेड है तो इसको हम ग्रीन कलर में कर देंगे। तो आपने एडजस्ट पे जाना है और ह्यू पर जाना है, और यहाँ पे इसको आपने 115 के अराउंड रख लेना है प्लस में, तो गाइस ये आपका ग्रीन कलर में हो जाएगा, ठीक है। देन आपने इसको डन करना है, फिर क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, और दूसरी आइज में भी गाइस इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमने दोनों आइज में सेट कर लिया है, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। देन आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डन कर देना है, फिर ऐड फोटो पे जाना है। तो यहाँ पे दो और पीएनजी मिलेगी, आपने उनको ऐड करना है, और इसको गाइस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना अपनी फोटो के हिसाब से, और इनका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना, ठीक है। और देन डन, फिर गाइस ऐड फोटो पे जाना है, और गाइज इस बार जो हैकर वाला टेक्स्ट पीएनजी है गाइज आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी ऐड करेंगे, और उसके बाद से इसका ब्लेंडिंग मोड गाइज हम स्क्रीन करेंगे। और फिर गाइज आप इसके साइज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, मतलब इसके साइज़ को बड़ा या छोटा जैसे भी करना हो कर सकते हो, तो थोड़ा सा बड़ा रखना सही रहेगा। और देन आपने यहाँ से इसको डन कर लेना है, फिर ऐड फोटो पे जाना है, और एक और टेक्स्ट पीएनजी मिलेगी, आपने उसको ऐड कर लेना है, और इसका ब्लेंडिंग मोड इसका भी स्क्रीन कर देना है। तो गाइज इसको आपने जस्ट जो हैकर वाली टेक्स्ट है उसके नीचे लगाना है, तो यहाँ पे इसका साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और देन यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। और गाइस आपने फिर ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक लेंस फ्लेयर मिलेगा, आपने इसको ऐड करना है, एडजस्ट पे ले जाना है, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस आपने स्क्रीन कर लेना है, फिर एडजस्ट पे ले जाना है। और यहाँ पे गाइस आपको ह्यू मिलेगा, ह्यू को सेम आपने 115 के अराउंड रख लेना है, देन डन। और उसके बाद इसको बड़ा करके यहाँ पे साइड में लगा देना है, ठीक है, कुछ स्टेप्स आप देख लो। तो यहाँ पे गाइज हम इसको सेट करेंगे, और देन यहाँ से सेट करने के बाद से आपने डन कर देना है, और गाइज फिर ऐड फोटो पे जाना है। और यहाँ पे गाइज आपको एक मास्क की पीएनजी मिलेगी, ठीक है, जो गाइज हैकर वाली मास्क होती है, आपने उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज इसको लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि हैकर ने अपने मास्क निकाल कर यहाँ पे पास में रखे हुए हैं, ठीक है।
और उसके बाद से एंड में आपको सबसे लास्ट वाली पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऐड करेंगे। गाइस आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। और इसको आप फुल बैकग्राउंड या फिर इसको साइज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है और इसको साइज़ को गाइस हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और फिर अगर आपके ये फेस पे थोड़ा सा आता है तो आपने इरेजर पे जाना है, हार्डनेस को कम कर देना है, थोड़ी सी ओपेसिटी भी डाउन कर देनी है और यहाँ एकदम हल्के से करके इरेज कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। उसके बाद से आपने यहाँ से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद से ड्रॉ टूल में जाना है, इस फोटो को करना है सेव और चलना है लाइट रूम में। तो गाइज़ यहाँ पे आ गए अपने लाइट रूम में। और गाइज़ इसमें बहुत इजी स्टेप में बता दूंगा गाइज़ आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कर्व पे जाना है और यहाँ पे गाइज़ जो नीचे वाला डॉट दिख रहा है आपने उसको पकड़ कर ऊपर तक ले जाना, मतलब यहाँ पे एक रो मिलेगा वहाँ तक ले जाना है। और फिर गाइज़ जहाँ पे आपको रो और कॉलम मिल रहे हैं वहाँ तक एक डॉट पकड़ के नीचे तरफ ले जाना है, ठीक है। तो कुछ ही स्टेप से गाइज़ आपकी फ़ोटो हो जाएगी थोड़ी फेडेड टाइप में। तो आपने उसके बाद से यहाँ से इसको डन कर देना है। फिर गाइज़ आपने कंट्रास्ट को माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस कम 20 रख लेते हैं, हाईलाइट को 20 इंक्रीज कर लेंगे। फिर शैडो को गाइज़ आपने 20-30 रख लेना है और वाइटीज को भी आपने 20 और ब्लैक्स को माइनस का 30 रख लेना, ठीक। देन चले जाना कलर पे। कलर पे आने के बाद से यहाँ पे आपने सीधे वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना है, इसको रख लेना है 40। देन मिक्स वाले टूल पे जाना है, सेकंड कलर ऑरेंज कलर, और इसका लुमिनस को गाइज आपने इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा सा सेचुरेशन को डाउन कर देना है और बाकी यहाँ से गाइज आपने डन कर देना है। सिंपल से चले जाना है नेक्स्ट वाले टूल पे। यहाँ पे गाइज आपने टेक्सचर को 30 और क्लियरिटी भी गाइज सेम भी रख लेना। फिर यहाँ पे डीएच को रख लेते हैं 8 और यहाँ पे गाइज विग्नेट है इसको हम माइनस कर लेते हैं 20। फिर गाइज चले जाएंगे नेक्स्ट वाले टूल पे। इसमें गाइज हम शार्पनिंग को इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं 39 और थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन को। तो गाइज़ हमारी फोटो हो गई है फुल्ली कंप्लीट, बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो। तो गाइज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।